फाइनली ऋषभ का 100 के सब्सक्राइबर हो चुका है और देख सकते हैं पीछे सेलिब्रेशन हो रही है और काफी दोस्त लोग अभी देखिए आप लोग के सपोर्ट की वजह से 1K सब्सक्राइबर पर फाइनली पहुंच चुके हैं। माँ का आशीर्वाद है और सारे फ्रेंड लोग का सपोर्ट है। बहुत सारे ब्लॉग में मेरे फ्रेंड्स लोग होते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। एक नए ब्लॉग में आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो फाइनली गाइज 1K सब्सक्राइबर्स कल रात में 10 बजे मेरा हो गया है और अभी हम लोग गंगा रेसिडेंसी में आए हैं सेलिब्रेशन के लिए। अभी साथ में धीरज और बादल, ये दोनों आ गए हैं। बेसिकली अभी मैं रेसिडेंसी के बाहर हूँ और दो फ्रेंड का वेट कर रहा हूँ और मम्मी और भाई ये दोनों अंदर जा चुके हैं। तो अभी मैं जाऊँगा यहाँ से अंदर होटल में और फिर ये दोस्त को केक लेकर के आएंगे, तो आगे ब्लॉग कंटिन्यू करूँगा। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं एक धमाकेदार से सेलिब्रेशन को और ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिए। तो चलिए मिलते हैं ऊपर और मिलाते हैं आपको मम्मी और भैया से। फ्रेंड्स अभी फाइनली हम लोग रेसिडेंसी के अंदर और ये देख सकते हैं आप भैया है और मम्मी है, आज सब लोग आए हुए हैं अंदर सेलिब्रेशन के लिए। और ठीक है, आप बैकग्राउंड देख सकते हैं डेकोरेशन का भी। अभी तो दोस्त लोग आए केक लाने के लिए, तो वो लोग आएगा तो उसका भी अभी सीन लेना है। और भैया तो शायद अभी चला जाएगा, इसको काम है तो शायद सेलिब्रेशन में रह भी सकता, नहीं भी रह सकता है। तो हाय कर दीजिए आप कैमरे में। तो आज बहुत ही ग्रैंड सेलिब्रेशन होने वाला है और आप सबको उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि आप सबके सपोर्ट और प्यार की वजह से आज 1K फैमिली तक हम लोग पहुँच चुके हैं। और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए और ऐसा ही और भी 2K 3K का सेलिब्रेशन ब्लॉग लाता रहूँगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए और विदाउट स्किप किए देखिएगा, बहुत अच्छा लगने वाला आज के वीडियो में। और ऐसा ही अपना सपोर्ट बनाए रखिए। सो फ्रेंड यहाँ पर देखिए सारे दोस्त आ चुके हैं अभी केक लेकर के। सचिन है, सोहेब, बादल हो गया, इधर आपका धीरज है। तो ये सभी अभी केक लेकर के आए हैं। तो थोड़ा चेहरा दिखा दो। तो ये देखिए छोटका को थोड़ा केक उक लेके आया है। गाइस यहाँ पर देख सकते हो सारा सेटअप बड़ा है, यहाँ पे 1K लिया हुआ है और ये है जो केक निकाल रहे, सेटअप पूरा कर रहे हैं। यहाँ पर साथ में मम्मी है, मम्मी से तो मिल ही लिए हैं एक बार, इसको मम्मी के द्वारा। और यहाँ पर बहुत मतलब फाइनली हो गया है, काफी अच्छा लग रहा है। मतलब ऐसा सपोर्ट बनाए रखिए और जल्दी और भी नया नया ब्लॉग आने वाला है, पटना से आने वाला है, बहुत सारा माइंड में प्लान है। बट वेट कीजिए, सभी ब्लॉग्स आएंगे, लगातार आएंगे और काफी अच्छा लगेगा आप लोग को। तो सपोर्ट कीजिए, अपना सा खाना पीना हो जाए हम लोग को, उसका थोड़ा सेलिब्रेशन कर लेते हैं। और कमेंट सेक्शन से भर दीजिए ये चाहेंगे और ऐसे ही सपोर्ट और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। एक बार फिर से सभी यहाँ पर देख सकते हैं, मतलब गंगा रेसिडेंसी के सारे मेंबर लोग हैं, विक्की जी है, जीएम जी है, तो सारे लोग हैं। काफी अच्छा लग रहा है जब खुशी में सभी लोग शामिल होते हैं और इन लोगों के साथ काफी एक रिलेशन सा बन गया हमारा। मतलब 5-6 बार तो यहाँ पे आके ब्लॉग यहाँ का शूट करते हैं, नया ब्लॉग है, काफी अच्छा लग रहा है। बहुत दिन बाद होगा हुआ है, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। सो फ्रे
फ्रेंड्स, ये था मेरा, अभी आपने देखा कैसे केक कटा और कैसे सेलिब्रेशन हुआ था। देन थोड़ी सी बात कर लूँ अपने जर्नी के बारे में, तो मुझे याद है कि इस चैनल से पहले मेरा एक चैनल हुआ करता था रिसर्च श्रीवास्तव नाम से। अभी मैंने मोबाइल में वो खोला है, हालांकि उस पर एक्टिव नहीं हूँ, और उस पर मैंने कुछ 14 वीडियो डाला था। और आपको दिखाऊँ तो ये देखिए, इस फोन में सबसे नीचे आप देख सकते हो जगन्नाथन स्कूल का वीडियो था, ठीक है। तो मैंने यहाँ से अपना जर्नी किया था शुरू, और तब एक भी सब्सक्राइबर नहीं था, और अभी देखिए आप लोग के सपोर्ट की वजह से 1K सब्सक्राइबर पर फाइनली पहुंच चुके हैं। माँ का आशीर्वाद है, और सारे फ्रेंड लोग का सपोर्ट है। बहुत सारे ब्लॉग में मेरे फ्रेंड्स लोग होते हैं, सचिन होता है, सोएब होता है, धीरज होता है, बादल होता है, बहुत सारे फ्रेंड होते हैं। तो काफ़ी अच्छा और प्राउड मोमेंट लग रहा है, एंड इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए। और जब मैंने शुरू किया था ये ब्लॉग बनाने के लिए, उस टाइम पे तो मैं ढंग से बोल भी नहीं पाता था, मतलब ना मुझे सूट लेने आता था, ना मैं सही से बोल पाता था, शर्म आता था बहुत ज़्यादा, तो बहुत सारा ऐसा होता था। बट अब ऐसा कुछ नहीं होता, तो कहीं भी मैं भीड़ पे खड़ा होकर बोल सकता हूँ, शॉट्स निकाल सकता हूँ। तो अब ये एक प्रोफेशन सा हो गया, काफ़ी अच्छा लगता है। और साइड में पढ़ाई लिखाई के अलावा एक एक्टिविटी भी होती है, और एक सोशल स्किल्स भी सीखने को मिलता है कि कैसे चीज़ों को प्रेजेंट करना चाहिए। तो काफ़ी एक अच्छी वाली फीलिंग आ रही है कि फाइनली अभी 1K पर पहुँच चुके हैं। और ऐसा ही सपोर्ट कीजिए, और जल्दी मुझे 5K 10K पर भी पहुँचाइए, और चैनल को भी मोनेटाइज करवाने में हेल्प कीजिए। और माँ को तो देखा ही अपने सेलिब्रेशन में, और पहली बार मैंने माँ को प्रॉपर इतना देर तक किसी ब्लॉग में लिया है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो अभी हम लोगों ने खाना का ऑर्डर किया है, और अभी हम लोग का खाना आने वाला है, तो थोड़ा एक उसका शॉट हम लोग ले लेंगे, और एंड में जाते जाते भी थोड़ा फोटो शूट अभी लेंगे। तो बहुत अच्छा लग रहा है, और इसी तरीके से बस सपोर्ट करते रहिए। यहाँ पर देख सकते हो जो है हम लोग का अभी सर्व हो रहा है, और थोड़ा खाएंगे पियेंगे हम लोग, और अभी इसके बाद करेंगे सेलिब्रेशन को यहीं पर एंड करेंगे। देन अभी थोड़ा सा पहले खा पी लेते हैं, थोड़ा भूख भी बहुत ज़्यादा लग गया। आप मम्मी का मुंह देख सकते हैं, मतलब भूख बहुत ज़्यादा लग गया है, तो थोड़ा अच्छा लग रहा है बहुत ज़्यादा। तो बादल भाई कुछ बताइए आप अपने बारे में, ऋषभ के बारे में, कैसा फील मिल रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, और अच्छा सोच रहे हैं, बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, और बहुत सारे फ्रेंड्स ओपिनियन लेते हैं। देखिए बगल में छटका है धीरज, तो उससे भी तरह आप ओपिनियन ले लेते हैं कैसा मतलब लग रहा है। तो बताइए धीरज भाई कैसा आपको लग रहा है? तो सचिन भाई बताइए कैसा फील मिल रहा है? अच्छा लग रहा है बहुत, कि मेरा फ्रेंड बहुत आगे बढ़ रहा है, और भी चाहता हूँ कि वो ग्रोथ करे जल्द से जल्द, ज्यादा से ज्यादा करो, बहुत अच्छा लगे। तुम भी कभी पार्टी दे दिया करो। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग खाना क्या देख सकते हो, पूरा खाना जो इधर लगा हुआ है, और इधर देखोगे तो तीनों फ्रेंड है, धीरज है, सोएब, सचिन, सभी लोग हैं, और भूख सही में भी बहुत ज़्यादा लग गई। तो देखिए मम्मी खाना शुरू कर चुके, तो थोड़ा मैं भी खा लेता हूँ, भाभी भी खाएगा। और ब्लॉग को लाइक जरूर कीजिएगा ब्लॉग को, और भाई को जरूर सपोर्ट कीजिए। सो फ्रेंड्स, करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड, और आज का सेलिब्रेशन ब्लॉग का बहुत अच्छा रहा, और सभी दोस्त ने काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया, और केक तो इन लोगों ने ही लाया था, और काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी प्राउड मोमेंट। और ऐसे सपोर्ट करते रहिए भाई को, और मिलते जल्द एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।